नो आई नो तुम यही बोलोगे ना कि ये कैसे बाल कटा लिए रख लिया सर पे मैं खुद <laughs> रीजन तुम्हें तो बता देता हूँ मेरे बालों में बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ हो रहा था एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर में स्कैल्प में तो उसकी वजह से मैंने बाल बिल्कुल छोटे करा दिए ताकि अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए बट आई नो बहुत चंपू लग रहा लगा इसलिए मैं कैप लगा लेता हूँ बेटर नो ओके okay, सो so 2020 कब स्टार्ट हुआ एंड कब एंड हो गया किसी को पता भी नहीं चला इसमें मैंने क्या करा इसमें मैं बस सोया मैंने प्रोकेस्टिनेट करा और मैं थोड़ा बहुत और सोया और मैंने टाइम वेस्ट करा थोड़ा सा एक्चुअली सारा ही टाइम वेस्ट करा और मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करा मैं थोड़ा बहुत जिम गया मैं थोड़ा बहुत ट्रिप पर गया थोड़ा बहुत घूमा बट कुछ काम नहीं करा एक्चुअली अगस्त में मैंने एक साइड जॉब पकड़ी थी वर्क फ्रॉम होम टाइप उसमें मैंने थोड़ा बहुत काम कर रहा था बट वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी उससे इतना इनकम जनरेट नहीं हुआ एंड वो एक्चुअली पार्ट टाइम थी और उसके अलावा जितना ही मुझे टाइम बच रहा था वो भी मैंने वेस्ट करा बट भाई दो हजार इक्कीस आने वाला है और जैसा सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोविड चेंज हो जाएगा कोविड चला जाएगा वैक्सीन आ रही है खैर हमें <laughs> पता है क्या होने वाला है तो इसी तरह मैंने भी एक उम्मीद जगाई है अपने अंदर मैंने कुछ रेजोल्यूशन बनाया जो हर अगला बंदा बनाता है कि मैं फैट लॉस करूँगा मैं ये करूँगा वो करूँगा तो अब मारूँगा खैर सिर्फ नौ परसेंट सक्सेसफुल हो पाते हैं बट इस बार हमने सोचा क्यों ना हम भी करें खैर मेरे को सॉलिड पॉइंट्स हैं एंड मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर प्लान कर रहा हूँ ऑलमोस्ट दिसंबर की स्टार्टिंग से जब से मैं ट्रिप से वापस आया हूँ मेरा माइंड भी फ्रेश है सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है तो तब से मैं सोच रहा हूँ कि अब भाई कुछ करना चाहिए टाइम वेस्ट करने के अलावा सो so बेसिकली मैंने कुछ प्लान्स बनाए कुछ पॉइंट्स बनाए जो अगले तीन महीने तक मैं फॉलो करने वाला हूं जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों महीने में उसको फॉलो करूंगा एंड अगर सब कुछ सही रहा मुझे रिजल्ट दिखे तो डेफिनेटली मैं उसको कंटिन्यू करूंगा अदरवाइज हम फिर से कोई साइड जॉब पकड़ेंगे बट द थिंग इज कि इस चैनल पे सब कुछ रहेगा जो भी मैं सीखूंगा जो भी मैं करूंगा और इस चैनल पे वो सब चीजें आएंगी तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा ठीक है और मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मुझ पर खुद पर प्रेशर बने कि हाँ भाई बोला तो करना तो पड़ेगा तो सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्ट करूंगा एक तारीख से एक्चुअली मैं इसको बहुत टाइम से सोच रहा हूं और जो मेरी पार्ट टाइम वो जॉब है वो अभी भी चल रही है तो वो 31 पर खत्म होगी उसके बाद से हमारे पास टाइम ही टाइम ताँग होगा पूरी दुनिया का जिसमें हम 10 घंटे सोने वाले हैं मेन पॉइंट सबसे ज्यादा वेल well, तो सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पढ़ाई नहीं, नहीं कॉलेज की नहीं स्कूल की भी नहीं कोई भी नहीं वैसी पढ़ाई नहीं एक्चुअली मैंने काफी कुछ चीजें सीख रखी हैं और उससे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग वेब डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप एस सीओ फेसबुक एड्स एंड ऑल डैट बट मुझे अपनी इन्हीं स्किल्स को एक गहराई में लेके जाना है मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसका एक से दो साल का एक्सपीरियंस है बट जो एक होता है ना जो सिर्फ टॉप फाइव परसेंट को आता है मैं उस पॉइंट तक जाना चाहता हूँ और मेरे को वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो नॉर्मली हमें नहीं सिखाई जाती हैं जो इंटरनेट पर भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं तो इन तीनों महीनों में मैं अपनी उन स्किल्स को काम पे लगाऊंगा अपने पीछे एंड मैं देखूंगा कि मैं क्या चीज़ें सीखता हूँ और वो सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊंगा दूसरी चीज़ कि मैं व्लॉग्स रेगुलर डालूंगा अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पहले बता दूँ इसमें बहुत सारा जिम दिखने वाला है क्योंकि मैं तीन घंटे जिम में बताता हूँ और वही टाइम होता है जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ एंड इस बार जिम को लेके भी बहुत तगड़े प्लान्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा उसकी अलग वीडियो आएगी जिसमें हम अपना आगे जो तीन महीने का वर्कआउट होगा वो सब प्लान करने वाले हैं वर्कआउट एंड डाइट एंड हमारा गोल क्या है वो सब तो उसकी अलग वीडियो होगी बट यस मैं अपने जिम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लूंगा एंड उसकी बहुत सारी वीडियो चैनल पर आने वाली हैं सो द पॉइंट इज कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूंगा चाहे मैं कुछ भी करूँ मैंने जो अपने ये रेजोल्यूशन बनाया मैं उन्हीं को अचीव करने का ट्राई करूँगा उन्हीं पे काम करूँगा अगर मैं कुछ करा घूमने गया कुछ एक्सरसाइज जिम डाइट ये सब कुछ मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूँ और मेरे गंदे आदमी बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ अब मैं जो कर रहा हूँ वही डाल दूंगा और वो सब अच्छा रहेगा कंटेंट अच्छा रहेगा आई प्रोमिस स्टार्ट ठीक है तो रेगुलर व्लॉग्स तीसरी चीज़ मैं सोऊँगा एंड मैं नौ से दस घंटे सोऊंगा अभी जब पास के कुछ मंजें हैं उसमें ढंग से स्लीप भी नहीं मिली है और मैं मुश्किल से पाँच छः घंटे सोता था और मैं जिम भी जाता था साथ में तो उसकी वजह से आपको पता है कि पाँच छः घंटे की नींद इनफ नहीं होती है तो अब मैंने प्लान करा मैं एक तारीख से अच्छे से दबा के सोऊंगा आठ से नौ घंटे तक सोऊंगा बट मैं रात में नहीं सोऊंगा क्योंकि रात में थोड़ा शोर कम होता है और रात में हम वीडियोस बनाया करेंगे हम प्लान करा करेंगे हम काम करा करेंगे हम सुबह सोएंगे सुबह पांच से लेकर एक या दो या तीन चार बजे तक जब तक नींद चले <laughs> चौथी चीज मैं अब एक गोल सेट करके फिटनेस की साइड जाऊंगा देखो अभी तक जो भी मैं जिम जाता हूं या फिर जो भी मेरी हल्की फुल्की फिजीक है कुछ खास नहीं है मेरे में बहुत ज्यादा फैट है अभी भी एंड कोई भी ऐसी बॉडी वॉडी नहीं बनाया क्योंकि मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे बॉडी बनानी है मेरा मेन रीजन था जिम स्टार्ट करने का क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था पहले एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था अराउंड 40 के था मैं कोई पिक्चर लगा दूंगा इधर उधर अगर मुझे मिली तो दो तीन साल पहले और जिस दिन से मैंने जिम ज्वाइन करा था मेरे में बहुत ही जल्दी सडन चेंजेस आए थे इसलिए मैं छोड़ता भी हूँ तो थोड़े टाइम बाद ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मैं बीमार ना हूँ वापस बट अभी तक मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे किसी फील्ड में जाएंगे एप्स निकालेंगे फैट कट करेंगे मसल्स बढ़ाएंगे बस मैं नॉर्मल जिम जाता था थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर लेता जब मुझे बहुत ज़्यादा फैट हो जाता था पर अब हम बहुत ही ज्यादा सोच के चलेंगे और बॉडी बनाएंगे ये जितने बड़े हाथ इसमें लग रहे हो तो उतने आए नहीं है बस कैमरा एंगल की वजह से बट यस मैं बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा एंड वो सभी चीजें आपको भी दिखेंगी पांचवी चीज मैं एक वेबसाइट पे काम करूंगा जो मेरी खुद की है जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगा मैं ऑन द वे रिवील करूंगा क्योंकि मुझे अभी सब देखना होगा टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा कि कैसे कैसे मैं काम करने वाला हूं और मैं अभी ऐसी चीजें नहीं बोल सकता जो मैं ना बट डेफिनेटली मैं आपको सब कुछ रिवील करूंगा उसका इंस्टाग्राम उसकी वेबसाइट उसका एस उसको गूगल पर रैंक कराना सब कुछ आएगा सब कुछ मिलेगा आपको देखने को और अच्छे से मिलेगा तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना तो भाई सब्सक्राइब कर दो और घंटा भी दबा दो और देखो और आप भी करो मैं ऑलमोस्ट भूल गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो फैर नो दि थ्री मंथ सी ओके तो बहुत ज्ञान हो गया इस वीडियो में ये मेरे कोई पांच रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी तक सेट करे हैं मैं इन पहले पांचों पे ही प्रॉपर रहने का ट्राई करूंगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं आगे फ्यूचर में तो उसको आप देखते रहना कल हम जाएंगे जिम हम कल ट्राइसअप मारेंगे तो उसकी ही होगी नेक्स्ट वीडियो तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो न्यू ईयर पे चेंज करने का एंड अगर नहीं करे तो भाई करो अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक हमारा माइंड सेट ऐसा रहता है कि नई नया साल आ रहा है हमें कुछ करना चाहिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें कभी भी कर सकते हो बट अगर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है मेंटली कि हम इस पॉइंट पे हम सब कुछ प्लान कर सकते हैं और बहुत सारे लोग भी करने वाले हैं तो डेफिनेटली करो यार तो भाई मैं आपको मिलूंगा कल तब तक ले टाटा बाय बाय